गुड आफ्टरनून नेट सर। तो जैसे हमने आप सभी को वादा किया था कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ नए टूल्स हम 100% लेके आएंगे, तो आज यही टूल्स को लॉन्च करने के लिए हम यहां पे आए हैं। कुछ ऐसे टूल्स जिसके माध्यम से आपका बिजनेस और तरक्की करे, ग्रोथ पे जाए। देखो जनवरी ये जो महीना था, जनवरी महीना बहुत सारे प्रोसेसेस में हम उलझे रहे, लेकिन फरवरी और मार्च ये दो महीने के लिए कुछ स्पेशल टूल हम आपके पास आपके लिए लेके आए हैं। तो ये टूल क्या रहेगा, इससे आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, यही हम आज देखने वाले हैं। तो नेटसर्फ, क्या आप सब लोग रेडी हैं इस टूल को समझने के लिए और आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए? तो प्रेजेंटिंग पाथफाइंडर 2। तो दोस्तों, जब भी बिजनेस बढ़ने की, ग्रोथ की या सिस्टम लगाने की बात आती है, तो एक ही टूल हमारे सबके सामने आता है। एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से नेटसर्फ ने अभी तक बहुत सारे सिस्टम सेट हुए, एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से नेटसर्फ में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स ने अपने करियर किए। तो जी हां, आप जो गेस कर रहे हैं वो राइट है। हम फरवरी और मार्च के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं क्लब नेटसर्फ। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि क्लब नेटसर्फ की शुरुआत हमने 2009 में की थी। अभी जब 2009 में क्लब नेटसर्फ लॉन्च हुआ, तो ये जस्ट एक रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम था सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए, जहां पे डायरेक्ट सेलर्स आएंगे, जो भी 2-3 महीने उन्होंने जो काम किया है उसका रिवॉर्ड करके वहां पे आएंगे, यही एक फॉर्मेट था। लेकिन धीरे धीरे 2009 से लेके आज 2022 तक इस क्लब नेटसर्फ के फॉर्मेट में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे एनहांसमेंट हुए, बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए, और आज हम क्लब नेटसर्फ को सभी लोग एक महत्वपूर्ण टूल के तरह देखते हैं। एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से ग्रोथ होती है, एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से सिस्टम लगती है, एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से सभी का इनकम भी बढ़ता है। तो आज यही क्लब नेटसर्फ हम एक अलग अंदाज में, एक अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट करने वाले हैं। क्योंकि आज जब हम क्लब नेटसर्फ की बात करते हैं, तब क्लब नेटसर्फ से आते हैं अलग अलग थीम। क्योंकि क्लब नेटसर्फ, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए, एनहांसमेंट हुए, तो ये क्या हुए, क्लब नेटसर्फ ये सिर्फ नॉर्मल रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन ना रहते हुए, इसको अलग अलग थीम के माध्यम से हम आपके सामने प्रेजेंट करने लगे। फिर वो थीम लाइफस्टाइल हो या बॉलीवुड हो या स्पोर्ट्स क्लब नेटसर्फ हो या लाइफस्टाइल क्लब नेटसर्फ हो, अलग अलग थीम के माध्यम से आपके सामने ये क्लब नेटसर्फ आता गया, और डायरेक्ट सेलर ने हर थीम के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट किया। हमने यहां तक देखा कि जिस हिसाब से थीम हो रही है, उस हिसाब से डायरेक्ट सेलर का जो एज ग्रुप है, जो इसको अचीव करता है, वो भी बदलने लगा। मतलब अगर बॉलीवुड है तो हम देखते थे थोड़ा मैच्योर्ड क्लास आता था, अगर स्पोर्ट्स है तो यंग जनरेशन ज्यादा आता था, और अगर लाइफस्टाइल है तो 35 अबव लोग ज्यादा आते थे। इसका मतलब क्या है, ये जो थीम है, ये थीम ही क्लब नेटसर्फ का मेन कोर है, जिसके माध्यम से आप सभी लोग इस क्लब नेटसर्फ को या किसी भी क्लब नेटसर्फ को एक्सेप्ट करते हो या आप इमेजिन करते हो ये क्लब नेटसर्फ में क्या होने वाला है। जैसे जैसे थीम आए, वैसे वैसे हमारी लोगों की संख्या, मतलब डायरेक्ट सेलर की अचीवमेंट की संख्या भी बढ़ने लगी। पहले पहले क्लब नेटसर्फ में, मैं जानता हूं 2009 की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग यहां पे रहेंगे जो 2009 के क्लब नेटसर्फ में थे, मात्र 90 लोग 2009 के क्लब नेटसर्फ में आए थे। उसी के साथ साथ होने क्या लगा, जैसे जैसे ये थीम बेस्ड क्लब नेटसर्फ आने लगे,
हम अलग अलग थीम के माध्यम से क्लब नेटसर्फ को प्रेजेंट करने लगे। लोगों की अचीवमेंट की संख्या बढ़ने लगी, 100, 100 से 200, 200 से 500, 500 से 700, 700 से 1000। हमने कार्निवल, क्लब नेटसर्फ कार्निवल थाईलैंड में किया, आप सभी को याद रहेगा, जहां पे पहली बार इंटरनेशनल क्लब नेटसर्फ में 2000 लोग आए। उसके बाद ये जो फिगर है ये कभी भी कम नहीं हुआ। लास्ट जो अपना बहुत बड़ा क्लब नेटसर्फ रहा, वहां पे 4000 लोग हमने चेन्नई में लाए थे क्लब नेटसर्फ एक्स्ट्रा वैगनजा के माध्यम से। देखो, 4000 डायरेक्ट सेलर आना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, लोग क्लब नेटसर्फ ये टूल की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसको एक बिजनेस बढ़ाने का टूल करके लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो इस बार का क्लब नेटसर्फ क्या रहेगा, क्या होगा इस बार का थीम, कैसे होगा क्लब नेटसर्फ इस बार का, यही आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये बहुत ही उतार चढ़ाव का फाइनेंशियल ईयर रहा। बहुत सारी अच्छी घटनाएं हुई, बहुत सारी बुरी घटनाएं भी हुई, और हमने एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ नेटसर्फ सभी घटनाओं को अच्छी तरह से फेस किया, अच्छी तरह से उसके माध्यम से उन घटनाओं से पॉजिटिव चीजें लेके ग्रोथ के बारे में ही हमेशा सोचा। और यही कारण है कि ये जो 2 महीने आने वाले हैं, फरवरी और मार्च के 2 महीने, ये हमारे सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के महीने ही होने वाले हैं। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपका जितना भी टर्नओवर अभी तक गया है, उतना ही टर्नओवर ये 2 महीने में जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा क्लब नेटसर्फ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखो, क्लब नेटसर्फ जब भी आता है, पूरे नेटसर्फ में एक नई चेतना आती है, एक नव चेतना आती है, और उसके माध्यम से सभी डायरेक्ट सेलर्स जी जान से काम करने के पीछे लगते हैं। इस जनवरी में हमने नेटसर्फ में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स इंप्लीमेंट किए। आने वाले 2 महीने में, यानी फरवरी और मार्च में, नेटसर्फ का हर एक डायरेक्ट सेलर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए रेडी होने वाला है, नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। नेटसर्फ के माध्यम से आपके जितने भी सपने हैं वो ये 2 महीने में 100% पूरे होने वाले हैं, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग क्लब नेटसर्फ आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। देखो, क्लब नेटसर्फ जब भी आता है, सभी के सभी डायरेक्ट सेलर के मन में एक ही ख्याल आता है कि मैं मेरा जो पुराना टारगेट है वो कैसे बीट करूं, मेरे मैक्सिमम अचीवर्स इस क्लब नेटसर्फ में कैसे आए। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि यह क्लब नेटसर्फ अभी तक का सबसे बड़ा क्लब नेटसर्फ होने वाला है, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, और ना शायद इसके आगे इसके जैसा बड़ा क्लब नेटसर्फ होगा, क्योंकि यह क्लब नेटसर्फ एक ऐसा क्लब नेटसर्फ है जहां पे पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नेटसर्फ बताना चाहता है, हम सब लोग बताना चाहते हैं कि नेटसर्फ की ताकत क्या है। तो क्या आप सब लोग रेडी हो? देखो, क्लब नेटसर्फ जब भी लॉन्च करते हैं, हम नए थीम के माध्यम से लेके आते हैं, नए नए थीम्स लेके आते हैं। पिछले क्लब नेटसर्फ से आने वाला क्लब नेटसर्फ कैसे बेहतर होगा, बड़ा होगा, यही हमेशा हम सोचते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे इमेजिनेशन को ब्रेक नहीं है। आप भी ब्रेक मत लगाना, अपने बिजनेस को ब्रेक मत लगाना, क्योंकि हम आपके लिए न भूतो न भविष्यति ऐसा बड़ा क्लब नेटसर्फ लेके आने वाले हैं। आप सभी के लिए एक ऐसा क्लब नेटसर्फ जिसके माध्यम से हरेक का बिजनेस बढ़ेगा, एक ऐसा क्लब नेटसर्फ
जिसके माध्यम से हम सभी सिस्टम्स जो अभी तक हमने लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये 2 महीने में बहुत सारे सिस्टम्स लगेंगे और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के नए फाइनेंशियल ईयर का बेस यही क्लब नेटसर्फ रेडी करेगा। जब भी हम ऐसे क्लब नेटसर्फ के बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें नया, ऐसा नया क्या किया जाए जिसके माध्यम से हम आपको अचंभित कर सके, आपको आश्चर्य दे सके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आने वाला डायरेक्ट सेलर, क्लब नेटसर्फ अचीव करके आने वाला डायरेक्ट सेलर, हर एक डायरेक्ट सेलर उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले, ऐसी चीज मिले ना जो उसने कभी इमेजिन की है, ना वो शायद इमेजिन कर पाएगा। तो क्या आप सब लोग रेडी है? तो जब हम प्लान कर रहे थे कि इस क्लब नेटसर्फ का थीम क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे थीम दिए, लाइफस्टाइल दिया, स्पोर्ट्स दिया, कार्निवल दिया, कार्निवल पर प्लस स्पोर्ट्स दिया, तो ये क्लब नेटसर्फ कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग ऐसा थीम जो शायद ही किसी ने इमेजिन किया है। तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे कि इस क्लब नेटसर्फ का थीम कैसे होगा। तो जब हम थीम के बारे में देख रहे थे तब हमने सोचा कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स कहां कहां से आते हैं, तो हमने थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स कहां कहां से आते हैं। तो हमें समझ में आया कि जितने लोग सिटी से आ रहे हैं एज अ डायरेक्ट सेलर, उससे ज्यादा शायद लोग गांव से भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेटसर्फ ये पूरे भारत वर्ष में फैला हुआ है और भारत में शहरों से ज्यादा गांव है। तो हमारे डायरेक्ट सेलर गांव से भी आते हैं, हमारे डायरेक्ट सेलर शहरों से भी आते हैं। तो ऐसा क्या थीम किया जाए जिसके माध्यम से दोनों एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप को, सभी लोगों को ये कनेक्ट करे। क्योंकि एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम देखते हैं तो यंग जनरेशन भी आ रहा है और मैच्योर जनरेशन भी आ रहा है। यंग जनरेशन आ रहा है एज अ पार्ट टाइमर उसका पॉकेट मनी के लिए, और मैच्योर जनरेशन इसको एज अ फुल टाइम करियर करके ले रहा है। तो हमें एक ऐसा थीम चाहिए जो सभी जनरेशन को, सभी वर्ग को भारत के, सभी एरिया को कनेक्ट कर पाए। तो क्या करें ऐसा थीम? तो हमने सोचने लगे हम कि ये जो लोग हैं ये करते क्या है, एक ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो ये सभी लोगों के पास है और सभी लोग उसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो आंसर सिंपल है, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन सबके पास है, और ये स्मार्टफोन और मोबाइल फोन ने हमारी लैंग्वेज को भी चेंज किया है। क्योंकि स्मार्टफोन मोबाइल फोन पे हम करते क्या है, इधर सोशल मीडिया पे जाते हैं, मतलब काम के अलावा बात कर रहा हूं मैं। लोग बोलेंगे सर हम ईमेल देखते हैं, नेटसर्फ का साइट देखते हैं, नेटसर्फ का ऐप देखते हैं, वो तो आप 100% करते हो, मुझे कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या करते हैं? तो हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट डालते हैं, फिर हम व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक्टिविटीज हमने क्या क्या की वो भी बताते हैं। अभी जब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया और चैट ने हमें एक नई लैंग्वेज सिखाई है। जैसे लोग लिखते हैं LOL, लाफिंग आउट लाउड, या लिखते हैं TC, टेक केयर, THX, थैंक्स, तो ऐसे बहुत सारे एब्रीवेशन नए नए आए हैं और एक नई लैंग्वेज ही यहां पे क्रिएट हुई है। कुछ लोग बोलते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, मतलब इसका भी एक एब्रीवेशन 100% है। तो क्या इस लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं इन क्लब नेटसर्फ में? क्या ये क्लब नेटसर्फ के माध्यम से ऐसे लैंग्वेज को लेके हम एक नया थीम बना सकते हैं? यही हम सोच रहे थे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये सभी के लिए कॉमन है, फिर वो गांव का रहे, शहर का रहे, यंग रहे, बूढ़ा रहे, सबको ये लैंग्वेज 100% पता है। तो हम इसी विषय में देखने लगे कि क्या कर सकते हैं
क्या इस लैंग्वेज को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये नई जो लैंग्वेज आई है उसको यूज करके थीम में बांध सकते हैं। और यही हमने किया। देखो, हम आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस क्लब नेटसर्फ के माध्यम से देना चाहते हैं जो शायद ही आपने अभी तक लिया है। उस क्लब नेटसर्फ में आने के बाद, प्रोडक्शन देखने के बाद, उस क्लब नेटसर्फ का स्केल देखने के बाद, उस क्लब नेटसर्फ के होटल देखने के बाद, उस क्लब नेटसर्फ में जिस हिसाब से हम फूड स्प्रेड दे रहे हैं वो देखने के बाद, एक ही ख्याल आपके दिमाग में आने वाला है और वो है ओ माय गॉड, यानी OMG, राइट। तो यही है हमारी इस बार की क्लब नेटसर्फ की थीम। सो प्रेजेंटिंग एक अनोखा क्लब नेटसर्फ फॉर फरवरी एंड मार्च, क्लब नेटसर्फ OMG। ये जो क्लब नेटसर्फ हम लॉन्च कर रहे हैं, क्लब नेटसर्फ OMG, ओ माय गॉड, तो ये क्लब नेटसर्फ अभी तक का सबसे अनोखा क्लब नेटसर्फ होने वाला है। मतलब जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लब नेटसर्फ होने वाला है। ये क्लब नेटसर्फ में आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि आप सभी लोग बोलोगे ओ माय गॉड, ये क्या मैं देख रहा हूं। ये जो क्लब नेटसर्फ होने वाला है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लब नेटसर्फ होने वाला है। इस क्लब नेटसर्फ को अभी तक के किसी भी क्लब नेटसर्फ के साथ आप कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लब नेटसर्फ में बहुत बड़े 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 स्केल पे हम अलग अलग चीजें करने वाले हैं। तो ये क्लब नेटसर्फ इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडनेस बहुत ही अलग होने वाला है। एक ऐसा एक्सपीरियंस ना जो ना अभी तक आपने लिया है, ना शायद आप कभी ले पाएंगे। तो ये क्लब नेटसर्फ में जो जो पार्टिसिपेंट आएगा वो 100% बोलेगा OMG, ओ माय गॉड, कहां पे क्या आ गया मैं, कहां पे आ गया मैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर आपको देने हैं मुझे, तो इसका डेस्टिनेशन भी वैसा ही अनोखा होना जरूरी है। तो क्या डेस्टिनेशन हो सकता है एक्सपीरियंशियल ट्रैवलिंग की? जब भी इंडिया में बात आती है तो एक ही डेस्टिनेशन सामने आता है, जहां पे पूरे दुनिया के, अगर बाहर से कोई भारत में घूमने के लिए आ रहा है तो उसको ये डेस्टिनेशन में जाते ही है, इस डेस्टिनेशन में फॉरेनर्स 100% जाते हैं, इंडियंस भी बहुत बड़े पैमाने में जाते हैं। तो हर साल 1.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट एंड अराउंड 48 मिलियन इंडियन टूरिस्ट जिस डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, ऐसा भारत का अनोखा एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन इस बार हम क्लब नेटसर्फ OMG के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार का क्लब नेटसर्फ OMG होगा जयपुर, राजस्थान में। तो यह क्लब नेटसर्फ OMG जयपुर अब नहीं रहा दूर। तो दोस्तों, नेटसर्फ, क्लब नेटसर्फ के माध्यम से आपका वेल्थ क्रिएशन तो करता ही है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ मेमोरीज क्रिएशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लब नेटसर्फ के माध्यम से ये जो 2 नाइट 3 डेज का ग्रैंड इवेंट होने वाला है क्लब नेटसर्फ का, इसके माध्यम से आपके बहुत सारे मेमोरी क्रिएशन होंगे। इस क्लब नेटसर्फ के माध्यम से ना सिर्फ आपका इनकम बढ़ने वाला है, बट आपका ओवरऑल अचीवमेंट भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस क्लब नेटसर्फ में सभी लोग अपने अपने रिकॉर्ड्स, जो भी उन्होंने प्रीवियसली बनाए हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपके माध्यम से, आपके टीम के माध्यम से
अभी तक एक या दो अचीवर हुए हैं, तो आप 100% ये ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम अचीवर इस इवेंट में कैसे आए, क्योंकि ये जो क्लब नेटसर्फ ओ माय गॉड है, वो 2 नाइट 3 डेज का ग्रैंड इवेंट होने वाला है। अभी जब ही हमने ये सोचा कि ये 2 नाइट 3 डेज का ग्रैंड इवेंट होगा, और ये ग्रैंड इवेंट कहां पे होगा, तो जयपुर में हम जब देख रहे थे ये 2 नाइट 3 डेज का इवेंट कहां पे कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड इवेंट, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि मैक्सिमम लोग यहां पे आएंगे, आपके टीम के मेजॉरिटी लोग यहां पे आएंगे, तो हो सकता है ये अभी तक का सबसे बड़ा क्लब नेटसर्फ हो। तो अगर ये सबसे बड़ा क्लब नेटसर्फ होने वाला है, तो उसके लिए वेन्यू भी उतना ही बड़ा होना जरूरी है। तो जयपुर में हम ये इवेंट कर रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडोर वेन्यू में। जी हां, भारत में जयपुर में एशिया का सबसे बड़ा इंडोर वेन्यू है JECC, यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। यहां पे 80,000 स्क्वायर फीट, यानी लगभग 2 एकड़ का इंडोर फुल्ली एयर कंडीशन बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा हॉल है। ऐसा एक हॉल नहीं है, ऐसे 2 हॉल JECC में अवेलेबल है। तो क्लब नेटसर्फ OMG में आपको ग्रैंड एक्सपीरियंस देने के लिए हमने JECC खास आपके लिए, दोनों हॉल JECC के हमने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिए हैं। डेट क्या रहेंगे, तो डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्लीज मार्क इन योर कैलेंडर, आपके कैलेंडर में नोट कर लीजिए ये डेट। इस क्लब नेटसर्फ ओ माय गॉड के डेट रहेंगे मई में 4, 5 और 6, 2 नाइट 3 डेज का इवेंट रहेगा 4, 5, 6 मई। तो 4, 5 और 6 मई में मई को ये इवेंट जयपुर JECC में होगा। अभी इतने लोग आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी यहां पे अच्छी करनी है, और ये क्लब नेटसर्फ ओ माय गॉड है, तो ओ माय गॉड OMG एक्सपीरियंस आपको देना है। इसीलिए हमने इस JECC के आजू बाजू के जितने भी 4-star and 5-star प्रॉपर्टीज है, सभी ब्लॉक कर दिए हैं 4, 5 और 6 तारीख के लिए। तो 4, 5, 6 तारीख के लिए हमने JECC जयपुर के आजू बाजू में जितने 5-star होटल है, जैसे मैरियट हो गया, क्राउन प्लाजा हो गया, रेडिसन ब्लू हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग 5-star होटल्स खास आपके लिए हमने ब्लॉक कर दिए हैं। तो अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एवरी डे 4 तारीख 5 तारीख और 6 तारीख कैसे जाएंगे। देखो, ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप अचीव भी नहीं करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये क्लब नेटसर्फ OMG अचीव करना है, तो इमेजिनेशन सबसे जरूरी है। इमेजिन करो कि क्या होगा अगर आपने अचीव किया, 4 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आइटनरी कैसी रहेगी, ये आज अभी यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। एवरीथिंग इज डिटेल्डली प्लान, इन डिटेल सभी चीजों का प्लानिंग हो चुका है, क्योंकि नेटसर्फ है, और नेटसर्फ है तो प्लानिंग तगड़ा होने ही वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हर दिन कैसा जाएगा। वेनसडे, तो मैं उसको बोलूंगा इट इज अ वंडरफुल वेनसडे ऑन 4th of May, वंडरफुल वेनसडे 4 मई क्या होगा। तो 4 मई को आप जिस किसी शहर में रहते हो, उसी शहर से आप जयपुर में पहुंचोगे। आपको कब तक पहुंचना है, लगभग 11 बजे तक आप जयपुर में पहुंच जाओगे। आपको ऑलरेडी होटल कौन सा रहेगा आपका, यह बताया जाएगा, उसी होटल में आपको डायरेक्टली जाना है। तो जैसे ही आप जयपुर में आते हो, जो भी आपका होटल अलॉट हुआ है,
उस होटल में आपको जाना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हमने अलग अलग फाइव स्टार होटल्स यहाँ पे बुक किए, फोर स्टार फाइव स्टार होटल्स है, तो आपका जो भी होटल रहेगा वहां पे आपको डायरेक्टली जाना है। आप होटल में गए हो, इमेजिन करो आप होटल में गए हो, फाइव स्टार होटल के लॉबी में आप खड़े हो, चेक इन कर रहे हो, चेक इन करके आपने रूम ले लिया, रूम का मजा ले रहे हो फाइव स्टार होटल के, रूम से आपको लंच के लिए जाना पड़ेगा, तो हम यहां पे लंच 12:30 आपके लिए उसी होटल में लंच की व्यवस्था की है। तो 12:30 बजे आप वहां पे लंच करोगे। लंच करने के बाद लगभग 2 बजे हम निकलेंगे जयपुर पिंक सिटी की सफर करने के लिए। मतलब इस क्लब नेटसर्फ OMG में हमने साइट सीइंग ये पार्ट इंक्लूड किया है। तो बसेस आपके लॉबी में रेडी रहेंगे जो आपको पूरे जयपुर की सफर करने के लिए लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे जयपुर पिंक सिटी, जहां पे देखेंगे पिंक सिटी का जो भी शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगे। उसी के साथ साथ आप हवा महल देखोगे, उसके बाद फिर आमेर फोर्ट, जो आपने बहुत सारे शूटिंग में देखा रहेगा, फिल्मों में देखा रहेगा, बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग वहां पे होती है, तो आमेर फोर्ट पे हम लेके जाएंगे। ऐसे दिन भर आपका अलग अलग जगह पे जयपुर के साइट सीइंग होगा, और एंड में इवनिंग में हम आपको लेके जाएंगे इस जयपुर का, राजस्थान का कल्चरल एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि हम राजस्थान में आए हैं, जयपुर में आए हैं, तो कल्चर राजस्थान का जानना बहुत जरूरी है। जो लोकल एरिया में आया है उसका कल्चर कैसा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो हमने इसलिए आपकी व्यवस्था की है एक कल्चरल विलेज में, जयपुर के कल्चरल विलेज में, जिसका नाम है चोखी ढाणी। तो चोखी ढाणी में हम आपको लेके जाएंगे शाम को लगभग 6:30-7 के आसपास, पूरा साइट सीइंग करके दिन भर का बहुत सारा मेमोरी इकट्ठा करके आप जा रहे हो चोखी ढाणी में कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए। वहां पे अलग अलग कल्चरल शोज होंगे जयपुर के, राजस्थान के कल्चर का, आपको नजदीक से आप उसको देख पाओगे। उसी के साथ साथ जो राजस्थान का स्पेशल वेजिटेरियन फूड है उसका भी मजा आप लोगे। डे 2 यानी 5 मई, जो थर्सडे है, थ्रोबैक थर्सडे, तो ये जो थर्सडे है 5 तारीख आप सुबह उठोगे, ब्रेकफास्ट आपका होटल में ही हमने अरेंज किया है, सुबह ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट करके बसेस रेडी रहेंगे 10 बजे से आपको जो हमारा ग्रैंड इवेंट होने वाला है वहां पे लेके जाने के लिए। और ये इवेंट कहां पे होने वाला है? JECC, तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में लेके जाने के लिए बसेस आपके लॉबी में रेडी रहेंगे। आप बस पकड़ोगे, वहां से बस में बैठ के हम आपको लेके जाएंगे जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जहां पे बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन, ग्रैंड इवेंट वहीं पे होगा। आपने अभी तक जैसा प्रोडक्शन नहीं देखा है, उस टाइप का प्रोडक्शन, उस टाइप का ग्रैंडनेस आप देखोगे, क्योंकि ये क्लब नेटसर्फ है। OMG, oh my god, तो आपको ये oh my god आप बार बार कैसे आएगा, यही हम हमेशा ही कोशिश करेंगे। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको हर इवेंट में मिलेगा। दिन भर 5 तारीख को अलग अलग इवेंट्स आप वहां पे अटेंड करोगे, तो जैसे कुछ बिजनेस इवेंट्स होंगे, कुछ हमारे स्पेशल इवेंट्स रहेंगे, कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड इवेंट्स रहेंगे, और वहीं पे हमने आपकी लंच की व्यवस्था भी की है। तो ये लंच जो है ये हमने वहीं पे आपको दे दिया है, तो एक ग्रैंड हॉल में वहां पे आपकी लंच की व्यवस्था भी होगी। शाम को 5 तारीख को खास आपके लिए हमने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है, और ये ग्रैंड DJ कॉन्सर्ट होगा। पूरा जो 80,000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा हॉल है उसको हम कॉन्सर्ट हॉल में कन्वर्ट करेंगे, एक बहुत बड़ा डिस्कोथेक कन्वर्ट होगा, और वहां पे होगी हमारी ग्रैंड DJ नाइट। उसके बाद
डिनर करके आप उस दिन के मेमोरीज लेके वापस अपने होटल में आओगे। डे 3 यानी अपने इवेंट का लास्ट डे 6 तारीख फ्राइडे। सो थैंक गॉड फ्राइडे। तो एक ये फ्राइडे में फ्राइडे को हमारा वापस वही स्केड्यूल रहेगा। सुबह आप उठोगे, ब्रेकफास्ट आपका होटल में ही करना है आपको। ब्रेकफास्ट करके आपको होटल चेकआउट करना है, बैग सामान जो भी आपका है वो लेके बस में बैठना है और हम जाएंगे वापस JECC यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पे 6 तारीख को होगा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, हमारा एनुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब ये एनुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम पिछले 2 साल से कोविड के कारण नहीं हो पाया, अभी इतने बड़े पैमाने में एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन रिकॉग्निशन प्रोग्राम एनुअल इवेंट वहां पे होगा, जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको इस क्लब नेटसफ के माध्यम से ना ही सिर्फ क्लब नेटसफ मिल रहा है बल्कि ग्रैंड एनुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करने का मौका भी मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट 6 तारीख को वहां पे हम कर रहे हैं, जहां पे जितने भी कैब अचीवर है उनको तो फेलिसिटेट किया जाता ही है, उसी के साथ साथ जो जो अपने अपने क्लब में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं यानी टॉप 10 बिगिनर से लेके टॉप 10 CMD प्लस तक सभी क्लब के टॉप 10 को वहां पे फेलिसिटेट किया जाता है। तो एक ग्रैंड एनुअल इवेंट वहां पे आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। एक ग्रैंड एनुअल इवेंट अटेंड करने के बाद आप बहुत अच्छे मेमोरीज लेके, बहुत अच्छे मोमेंट्स लेके आपके घर में वापस जा सकते हैं। और ये 3 दिन का इवेंट क्लब नेट्स ऑफ OMG का यहीं पे एंड होगा। तो क्या आप सब लोग अटेंड करना चाहोगे इसको? अभी अटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे मैं बता दूं कि ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर के लिए है। जितने भी रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर है उनके लिए ही ये इवेंट है। ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वापस एक बार बोल रहा हूं मैं कि ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर डायरेक्ट सेलर के लिए है। और रजिस्टर डायरेक्ट सेलर को अपने अपने क्लब के हिसाब से टारगेट अचीव करने पड़ेंगे फरवरी और मार्च, ये 2 महीने में। तो जो जो रजिस्टर डायरेक्ट सेलर फरवरी और मार्च में अपने अपने क्लब के लेवल के हिसाब से अपने अपने टारगेट अचीव करेंगे उनको वहां पे आने का मौका मिलने वाला है। तो ये टारगेट क्या रहेंगे अभी देखते हैं। देखो टारगेट्स देखने से पहले ये टारगेट्स कैसे डिजाइन किए हुए हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो टारगेट्स हैं इस बार के, हमने 2 पार्ट में डिजाइन किए हैं। सबसे पहले अप टू सिल्वर क्लब जितने लोग हैं वो टर्नओवर से भी अचीव कर सकते हैं, यानी Team 1 Team 2 इसके हिसाब से, या रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से भी अप टू सिल्वर क्लब कोई भी बंदा क्लब नेटसर्फ अचीव कर सकता है। गोल्डन अबव कंपलसरी आपको Team 1 Team 2 के माध्यम से यानी टर्नओवर के माध्यम से ही आपके टारगेट्स अचीव करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिटेल प्रॉफिट के हिसाब से अप टू सिल्वर आप किस हिसाब से क्या टारगेट रहेंगे आपके रिटेल प्रॉफिट के, जिसके माध्यम से आप क्लब नेट्स ऑफ OMG अचीव कर सकते हो। तो ये जो टारगेट्स है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे बिगिनर लाइटनिंग स्टार के लिए एक टारगेट, स्टार सुपरस्टार के लिए एक टारगेट एंड ऑफ सिल्वर के लिए एक टारगेट। तो एक्चुअली में आपको 3 ही फिगर याद रखने हैं, बिगिनर लाइटनिंग स्टार का क्या है, स्टार सुपरस्टार का क्या है एंड ऑफ सिल्वर का क्या टारगेट है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से आप किस हिसाब से ये टारगेट्स अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको रिटेल प्रॉफिट के हिसाब से टारगेट अचीव करने हैं और अगर आप बिगिनर या लाइटनिंग स्टार हो तो आपको सिर्फ 2 महीने में, मतलब फरवरी साइकिल 1, फरवरी साइकिल 2, मार्च साइकिल 1, मार्च साइकिल 2, ये 4 साइकिल मिला के टोटल
15,000 रुपए का, सिर्फ 15,000 रुपीज का रिटेल प्रॉफिट कमाना है। आप बिगिनर लाइटनिंग स्टार हो, 15,000 रुपीज का आपको रिटेल प्रॉफिट कमाना है। अगर आप स्टार सुपरस्टार हो, राइट, स्टार सुपरस्टार हो, तो आपको 25,000 यानी 25,000 रुपीज का रिटेल प्रॉफिट इन्हीं 2 महीने में लेना है, मतलब फेब 1 फेब 2, मार्च 1 मार्च 2। स्टार सुपरस्टार के लिए 25,000। अगर आप ऑफ सिल्वर हो और आपको रिटेल के माध्यम से अचीव करना है, तो आपको 40,000 रुपीज यानी 40,000 रुपए का, 40,000 का आपको रिटेल प्रॉफिट इन 2 महीनों में यानी फेब 1 फेब 2 मार्च 1 मार्च 2 में इनकम आपको लेना होगा, इतना कमाना होगा। क्लियर? तो अभी देखते हैं टर्नओवर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो वापस अपने 3 डिवीजन, बिगिनर लाइटनिंग स्टार के लिए एक टारगेट रहेगा, स्टार सुपरस्टार के लिए एक टारगेट रहेगा, और ऑफ सिल्वर के लिए एक टारगेट रहेगा। तो बिगिनर लाइटनिंग स्टार अगर आप हो, तो आपको टीम 1 से 2.5 लाख यानी 2,50,000 एंड टीम 2 से 2.5 लाख यानी 2,50,000। तो बिगिनर लाइटनिंग स्टार के लिए टारगेट है 2,50,000 2,50,000। तो अगर आप स्टार सुपरस्टार हो, तो आपका टारगेट रहेगा 3 लाख 3 लाख, 3 लाख्स टीम 1, 3 लाख्स टीम 2। और अगर आप ऑफ सिल्वर हो, तो आपका टारगेट रहेगा 5 लाख्स 5 लाख्स, 5 लाख्स टीम 1, 5 लाख्स टीम 2। क्लियर? तो अगर आप अप टू सिल्वर हो, तो आप दोनों माध्यम से, मतलब आइदर रिटेल प्रॉफिट के हिसाब से या टर्नओवर के हिसाब से, आप जो चाहे उस हिसाब से ये क्लब नेट सेल्फ अचीव कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप गोल के अबव हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टीम टर्नओवर से ही क्लब नेट सेल्फ आप ये अचीव कर सकते हो। तो अगर आप गोल्ड या डायरेक्टर क्लब में हो, सो गोल्ड एंड डायरेक्टर, गोल्ड या डायरेक्टर क्लब में हो, तो आपको टीम 1 10 लाख, टीम 2 10 लाख, टीम 1 10 लाख्स, टीम 2 10 लाख्स, ये आपका टारगेट रहेगा। अगर आप सीएमडी हो, तो सीएमडी का टारगेट रहेगा 20 लाख्स 20 लाख्स, 20 लाख 20 लाख, 20 लाख टीम 1, 20 लाख टीम 2। अगर आप सीएमडी प्लस में हो, तो आपका टारगेट रहेगा 30 30, एंड अगर आप करोड़पति में हो, तो आपका टारगेट रहेगा 40 लाख्स 40 लाख्स। टारगेट समझ में आ गए? बहुत ही सिंपल टारगेट है, 2 महीने का टारगेट है, फरवरी मार्च। अभी यहां पे मैं एक पॉइंट बता दूं, आप अगर फास्ट ट्रैक में हो, फिर भी आपको इन 2 महीनों में, मतलब फरवरी और मार्च में, आपने अगर क्लब नेट सेल्फ के टारगेट अचीव कर दिए, तो जितने भी फास्ट ट्रैक अचीवर है, सभी के सभी क्लब नेट सेल्फ में आ सकते हैं। तो उनका ये जो 2 महीने का टर्नओवर है, वो फास्ट ट्रैक मेंटेनेंस के लिए भी पकड़ा जाएगा, इंटरनेशनल फास्ट ट्रैक के लिए भी पकड़ा जाएगा, और क्लब नेट सेल्फ के लिए भी पकड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हम फास्ट ट्रैक के लिए दे रहे हैं। तो देखो, ये हुई सिंगल अचीवमेंट की बात, लेकिन आप जानते हैं क्लब नेट सेल्फ है, क्लब नेट सेल्फ OMG है, इतना ग्रैंड एक्सपीरियंस है। तो शायद ही आप ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो अकेले आना पसंद करेंगे। यहां पे बैठा हर एक बंदा ये चाहेगा कि मैं मेरे स्पाउस के साथ आऊं, मतलब अस्मिता है तो हस्बैंड को लेके आना चाहेगी, और अगर मेरा डायरेक्ट सेलर है, तो वो बोलेगा मैं मेरे बीबी को भी साथ में लेके आना चाहता हूं। तो क्या यह मुमकिन है? 100% पॉसिबल है, क्योंकि नेटसर्फ आपको यहां पे चांस देता है। नेटसर्फ आइकॉन के माध्यम से आप आपके स्पाउस के साथ ये क्लब नेटसर्फ में आ सकते हो। तो अगर आप नेटसर्फ आइकॉन बनना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो नेटसर्फ आइकॉन को मिलता है, जो आप सबको पता है कि नेटसर्फ आइकॉन जैसे आप बनते हो, आपको 1% एक्स्ट्रा कमीशन स्टार्ट होता है। प्लस आप अगर आइकॉन का टारगेट अचीव करते हो, तो आप कपल एंट्री आपको मिलता है, यानी आप अपने स्पाउस के साथ, यानी अस्मिता हस्बैंड के साथ
एंड हमारा जो इतने सक्षम है, जितने डायरेक्ट सेलर है, वो अपने वाइफ को लेके भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि एक ग्रैंड एक्सपीरियंस होने वाला है और हम 100% चाहेंगे कि आप आपके फैमिली के साथ आओ। तो ये आइकॉन किसको किसको अवेलेबल रहेगा? तो इस बार जैसे आप जानते हो आइकॉन किसको किसको अवेलेबल रहता है, हर बार की तरह इस बार भी स्टार एंड अबव सभी क्लब के लिए आइकॉन अवेलेबल है। तो हम देखते हैं अभी आइकॉन अचीव करके आप कैसे आ सकते हो, आइकॉन के टारगेट्स क्या रहेंगे। तो आइकॉन के लिए भी हमने इस बार दो प्रकार के टारगेट दिए हैं, मतलब टारगेट एक ही है लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक वे चूज कर सकते हो। क्योंकि क्लब नट्स ऑफ है तो बहुत सारे आइकॉन ऐसे रहते हैं या बहुत सारे स्टार सुपरस्टार ऐसे रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं एक साथ टर्नओवर डालता हूं। तो एक साथ टर्नओवर आया तो मेरा आइकॉन होगा क्या? कुछ लोग रहते हैं वो बोलते हैं नहीं, मैं कंसिस्टेंसी परफॉर्म करना चाहता हूं। तो हम इस बार आइकॉन में एक अलग तरीके से टारगेट दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको है कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आइकॉन में आ जाइए। दूसरा ऑप्शन है कि जो भी आइकॉन का टारगेट है वो अचीव कीजिए, स्पाउस को लेके आइए। कंसिस्टेंसी परफॉर्म करोगे कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक साथ टारगेट करोगे सिर्फ कपल एंट्री मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यूम्युलेटिव टारगेट्स, यानी एक साथ 2 महीने में अगर आपने टोटल टर्नओवर कितना करना पड़ेगा आपको तो आप आइकॉन कहलाओगे और आपको कपल एंट्री मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूम्युलेटिव टारगेट्स। क्यूम्युलेटिव टारगेट्स मतलब क्या? आपको फरवरी और मार्च, फरवरी 1, फरवरी 2, मार्च 1, मार्च 2, ये चारों साइकिल मिला के ऑप्शन वन है कि टोटल टर्नओवर ये जाता है तो आप आइकॉन कहलाओगे। आइकॉन किसके लिए है? स्टार एंड अबव सभी के लिए है। तो हम अभी देखते हैं क्यूम्युलेटिव टारगेट्स, यानी फरवरी 1, फरवरी 2, मार्च 1, मार्च 2, ये चारों साइकिल मिला के आपके टारगेट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले स्टार सुपरस्टार। तो अगर आप स्टार सुपरस्टार हो तो आपको ये चारों साइकिल मिला के टोटल क्यूम्युलेटिव 7 लाख का टर्नओवर करना है। सिर्फ 7 लाख के टर्नओवर में आपको यहां पे कपल एंट्री मिलने वाली है। अगर आप ऑफ सिल्वर हो तो आपका टर्नओवर टारगेट रहेगा 12 लाख 12 लाख, 12 लाख 12 लाख 12 लाख, टीम 1 10 लाख टीम 2। तो आपका आइकॉन हो गया, चारों साइकिल मिला के ये करना है। वापस एक बार बोल रहा हूं, चारों साइकिल मिला के 12 लाख 12 लाख ऑप्स सिल्वर के लिए। अगर आप गोल्ड डायरेक्टर में हो तो आपको करना पड़ेगा 20 लाख 20 लाख 20 लाख टीम 1 20 लाख टीम 2। अगर आप सीएमडी में हो आपको करना पड़ेगा 35 35। अगर आप सीएमडी प्लस में हो आपको करना पड़ेगा 50 50। एंड अगर आप करोड़पति क्लब में हो तो आपको करना पड़ेगा 60 लाख 60 लाख 2 महीने में, तो आपको मिलेगी कपल एंट्री, आप कहलाओगे नेटसर्फ के आइकॉन। तो ये हुए क्यूम्युलेटिव टारगेट्स। अभी देखते हैं अगर मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हूं एवरी साइकिल, जो भी टारगेट दिया है हर साइकिल में मैं कंप्लीट करते जाता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो ये एक ऑप्शन हो गया जिसके माध्यम से आप आइकॉन अचीव कर सकते हो। अभी दूसरा ऑप्शन है कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस, यानी एवरी साइकिल आप अचीव करते जा रहे हो। तो ये देखते हैं हम अभी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो मतलब एवरी साइकिल ये जो मैं टारगेट बता रहा हूं वो अचीव कर रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट एक मिलेगा कि अगर ये जो टारगेट है आपने 2 साइकिल हिट किया तो उसके बाद के साइकिल में आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा टिल मार्च साइकिल 2। यानी किसी ने ये टारगेट फरवरी 1 फरवरी 2 में अचीव कर दिया साइकिल का, तो मार्च साइकिल 1 एंड मार्च साइकिल 2 ये दोनों साइकिल में उसको 1% एक्स्ट्रा कमीशन बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसका टारगेट क्या रहेगा? तो वापस हम वही फॉर्मेट में जाएंगे, स्टार सुपरस्टार का टारगेट क्या रहेगा, ऑफ सिल्वर का क्या रहेगा,
और इसी फॉर्मेट में हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप टारगेट क्या रहेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जो भी मैं टारगेट बता रहा हूँ ये साइकिल के टारगेट्स है, मतलब आपको एवरी साइकिल ये टारगेट हिट करना पड़ेगा। अगर एक भी साइकिल आपने ये टारगेट मिस कर दिया तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, जो हमने पहले ही देखा क्यूम्युलेटिव वाला ऑप्शन। तो क्यूम्युलेटिव वाले ऑप्शन से आप ये अचीवमेंट आपके आइकॉन का कर सकते हो। लेकिन अगर आप एवरी साइकिल जो भी हम टारगेट बोल रहे हैं वो करते हो तो आपको 1% एक्स्ट्रा भी मिल सकता है और आपका कम टर्नओवर में टारगेट भी अचीव हो सकता है। देखते हैं टारगेट्स क्या है। तो सबसे पहले स्टार सुपरस्टार के टारगेट रहेंगे 1,40,000 पर साइकिल, एवरी साइकिल। सो एवरी साइकिल 1,40,000 फेब्रुवरी 1 में किया, फेब्रुवरी 2 में वापस 1,40,000 किया, दो साइकिल कंटिन्यूस किया, तीसरे साइकिल से 1% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, तीसरे साइकिल में भी 1,40,000 किया और चौथे में भी 1,40,000 किया, आपका आइकॉन भी हो गया और आपको 1% एक्स्ट्रा भी मिल गया। ये बहुत बड़ा बेनिफिट यहां पे मिलने वाला है। समझ गए फॉर्मेट को, समझ गए? तो ये जो टारगेट है ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए है। अगर आप स्टार सुपरस्टार हो आपका टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 पर साइकिल, एवरी साइकिल। अगर आप ऑप सिल्वर हो तो आपका टारगेट रहेगा 2,40,000 पर साइकिल, एवरी साइकिल। फॉर्मेट तो आप समझ गए, हर साइकिल करना है, एवरी साइकिल करोगे, दो साइकिल करोगे, तीसरे साइकिल से 1% एक्स्ट्रा मिलेगा और कब तक मिलेगा ये, मार्च साइकिल 2 तक, और चारों साइकिल करोगे आपका कपल अचीवमेंट हो गया। समझ रहे हो? अगर आप गोल्ड या डायरेक्टर क्लब में हो तो आपके टारगेट्स रहेंगे 4 लाख 4 लाख, 4 लाख 4 लाख 4 लाख, टीम 1 4 लाख, टीम 2। फॉर्मेट सेम है, एवरी साइकिल टारगेट है, दो साइकिल अचीव किए आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, तीसरे साइकिल से मार्च साइकिल 2 तक, तीसरे साइकिल से मार्च साइकिल 2 तक, और चारों साइकिल अचीव करिए तो आप आइकॉन हो गए, यानी आपको कपल एंट्री मिलने वाला है। अगर आप सीएमडी क्लब हो तो आपका टारगेट है 7 लाख 7 लाख, अगर आप सीएमडी प्लस हो तो आपका टारगेट है 10 लाख 10 लाख, और अगर आप करोड़पति हो तो आपका टारगेट है 12 लाख 12 लाख। तो ये हुए आइकॉन के टारगेट। टारगेट सिंपल है, दो वे है, क्यूम्युलेटिव के हिसाब से अचीव करो या साइकिल वाइज अचीव करो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये आपके हाथ में है, आपको कैसे अचीव करना है, लेकिन ध्यान यही देना है कि हमें यहां पे मैक्सिमम आइकॉन अचीवर चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ग्रैंड क्लब नेट सब अगर हो रहा है तो हम 100% अकेले नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टार एंड अबव है सभी अपने स्पाउस के साथ 100% आए। तो ओ माय गॉड के टारगेट आप सबको समझ में आ गए, क्लब नेट्स ऑफ ओ माय गॉड के। यहां पे मैं एक चीज जाते जाते बोलना चाहूंगा, देखो नेट्स ऑफ हमेशा ही आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन देने की कोशिश करता है, हमेशा ही नेट्स ऑफ आपको ऐसी चीजें देने की कोशिश करता है जिससे आप हमेशा ही बोलो ओ माय गॉड क्या कंपनी है। तो इस बार हम ये चीज आप सभी से चाहते हैं, सभी डायरेक्ट सेलर से चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलर भी इस बार नेटसर्फ को ओ माय गॉड बोलने पे मजबूर करे। कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम अचीवमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का अचीवमेंट कीजिए आपके टीम में से, मैक्सिमम लोगों का अचीवमेंट कीजिए आइकॉन में, मैक्सिमम लोगों का अचीवमेंट कीजिए बिगिनर टू सिल्वर में, मैक्सिमम लोगों का अचीवमेंट कीजिए आइकॉन कपल अचीवमेंट में, और हमें बोलने पे मजबूर कीजिए ओ माय गॉड
कितने डायरेक्ट सेलर्स ने यह अचीव किया। इसी नोट के साथ, इसी आशा के साथ कि आप हमें ओ माय गॉड बोलने पे मजबूर करोगे, यहां पे हम अलविदा लेते हैं। सी यू इन क्लब नेट्स ऑफ OMG। थैंक यू।